धमतरी में करीब 1000 से अधिक बुनकर काम करते हैं। इसी काम से उनकी रोजी रोटी चलती है। यही काम इनके रोजगार का मुख्य जरिया है। कोरोना संक्रमण दौर में हर सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में दोबारा कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। धमतरी में बुनकर व्यवसाय से जुड़े लोगों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में बुनकर व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। काम धाम तो अभी नहीं है लड़ार पर चढ़ावे। काम में ये सब लॉकडाउन कोरोना के नाम से मतलब बहुत कम हो गए काम है। काम नहीं मिली तब ओकरे से हमारा रोजी रोटी है। अब वही लग कमात हन तब जियत हन। अब ओकर नहीं मिली काम तन हमन ला तो फिर बहुत है हो जाए परिवार पोसे पर बहुत तकलीफ हो जाए। हमें बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और काम धाम कमी के कारण घर गृहस्थी चलाने में हमें तकलीफ हो रही है। पहले जैसे काम करते थे उस तरह से अभी काम नहीं हो रहा है। यही स्थिति रहेगा तो आगे परिवार चलाने में हमें तकलीफ ज़्यादा होगी। बुनकरों को छत्तीसगढ़ हथकरघा बोर्ड की ओर से विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से कच्चा धागा उपलब्ध कराया जाता है। इन धागों से वे बुनकर कई वैरायटी के कपड़े, चादर, दरी और मच्छरदानी सहित अन्य सामग्री बनाकर शासन को रिटर्न करते हैं। इसके बदले शासन बुनकरों को मेहताना के तौर पर निर्धारित दरों पर भुगतान करती है। बुनकरों के लिए जो धागे सप्लाई किए जाते हैं उनकी मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो गई है। काम में थोड़ा सा अब धीमेपना आ गए है। अब ये ढंग से धागा वागा भी ये मात नहीं है। एकर वजह से रोजी वोजी भी नहीं चल पाते और ये मांगच के सहारा ही सब परिवार के पालन पोषण करना है। लॉकडाउन हो गए है तो काम धाम कम है, कम चला थे का धागा पानी नहीं आए, कम आते जरूरत के पूर्तन काम नहीं मिला थे। हाँ पढ़ ही घर में परिवार में पढ़ ही नहीं का खर्चा पानी पर तो लाग ही ना नहीं कमाबो तो खर्चा काला करबो। बुनकर ना सिर्फ मौजूदा हालात को लेकर पीड़ित हैं, बल्कि उन्हें अपने और अपने बच्चों के भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है। उनका कहना है कि बुनकर बाजार भी धीरे धीरे ठप पड़ रहा है, लोगों के बीच इसकी मांग भी घट रही है, साथ ही बाजार में इनके दाम भी घट रहे हैं। कई पीढ़ियों से बुनकर व्यवसाय के जरिए परिवार चला रहे बुनकरों के सामने अब भविष्य को लेकर चिंता है। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन की वजह से हर वर्ग प्रभावित रहा है। छोटे मोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग, व्यापार सभी प्रभावित हुए हैं और इसी कोरोना संक्रमण के चलते जो बुनकर व्यवसाय है वो भी प्रभावित हुआ है। बुनकरों के पास पहले जैसा काम नहीं है और ये बुनकर चाहते हैं कि सरकार की ओर से उन्हें सहायता दी जाए ताकि उनकी भी जिंदगी पटरी पर लौट आए। रामेश्वर मरकाम, ETV भारत, धमतरी।